तो आ तरफ बिहार ना शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर नू विवादित निवेदन रामचरितमानस नू फरी अपमान कर्युं छे। रामचरितमानस नी तुलना पोटेशियम साइनाइड साथे करी छे। रामचरितमानस मां पोटेशियम साइनाइड छे तेवुं चंद्रशेखरे निवेदन कर्युं अने कह्युं के ज्यां सुधी ए रहेशे त्यां सुधी विरोध करता रहीशुं। रामचरितमानस विशे सतत विवादित टिप्पणीओ आ मंत्री करी रह्या छे। अगाउ रामचरितमानस ने नफरत फैलावानो ग्रंथ कह्यो हतो। खाना परोसा गया हो उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो इनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 200 रुपया को ले रखा हमको इस बात का। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो इनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 200 रुपया को ले रखा हमको इस बात का। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, मेहमान और शैतान जायजे हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा पता ने प्रोफेट मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कह दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं देती।